आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खाद्यान्न के विषय में जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको प्रचुर मात्रा में जिसका सेवन भी किया जाता है। तो एक ऐसा यह इसको देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। और भारतवर्ष के अंदर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, सब जगह पर ये प्राप्त होता है। इसको मक्की बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मकई बोला जाता है, भुट्टा बोलते हैं, जीमेज इसका बॉटनिकल नाम है, जीमेज जिसको कॉर्न बोलते हैं, और गुजराती में मक्करी बोलते हैं, और तमिल में मक्का चोलम इसका नाम है, मलयालम में भी चोलम बोलते हैं, और बंगाली में इसको भुटिया या जनर बोलते हैं, उड़िया में भी मक्का या बूटा बोलते हैं, उर्दू में भी मक्का या जावरी इसको बोला जाता है। निश्चित रूप से खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भोजन यदि हम विधि पूर्वक करें तो वह हमारे लिए औषध बन जाता है, और यदि औषध को भी विधि के साथ सेवन ना करें तो कभी कभी हमारे लिए वह हानिप्रद हो सकता है। क्योंकि एक हमारी एक ऐसी मानसिकता इस देश की अभी विकसित हो रही है, लोगों में एक अवधारणा बन गई है कि औषधियाँ जो बड़ी बड़ी सुंदर पैकेटों में, डिब्बियों में बंद जो है, वह औषधियाँ ही दवाइयाँ होती हैं। हमने इसको भुला दिया कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे घर में, जो हमारे आंगन में, जो हमारे रसोई में, जो हमारे नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं थी, उनके गुणों को, उनके गुणों का अन्वेषण करके यह बताया कि किस तरह से वह हमारे जीवन में सिर्फ खाद्यान्न के रूप में नहीं अपितु औषधि के रूप में बहुत कारगर हो सकती हैं, ये चीजें किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद हो सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इस भुट्टे के संदर्भ में। आप देख रहे हैं यह बहुत ही सुंदर है और पूरे देश में यह होता है। प्रायः आपको पता है कि यदि हम मक्के की बात करें तो लोगों को ज्यादातर पता है कि बरसात के आसपास के सीजन में भुट्टा जो है इसको भून करके खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो भुट्टे को भून करके खाते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अभी हम इसके आटे की रोटी बना करके भी कहीं खाते हैं, परंतु जहाँ तक हमें पता है कि शहर के जो लोग हैं अभी मात्र इसको भुट्टे के रूप में ही इसको भून करके इसका सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके क्या औषधीय गुण हो सकते हैं, हमने इसके ऊपर काफी काम किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मक्का है, जिन लोगों को बहुत ही कमजोरी है, वीकनेस है, यह पौष्टिक आहार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह मक्का न केवल एक खाद्यान्न है अपितु बहुत सारे औषधि के लिए भी प्राचीन काल से इसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। और इसका जो संस्कृत में नाम है महाकाय, इसका नाम काफी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि महाकाय कहने के पीछे इसकी जो शरीर है, इसकी जो आकृति है, वो एक विशालता लिया हुआ है। तो ये बहुत ही लाभकारी है, हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे। उससे पहले, मक्के के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की वजह से जो बहुत कमजोर हैं, सूखा रोग से पीड़ित जो लोग हैं, आज देश के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटीन की कमी पाई जाती है लोगों के अंदर। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग विविध तरह के गोली और वटी खाते हैं, उसकी सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए लोग विविध तरह के औषधियों का सेवन करते हैं। उन सब से पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ये जो अनाज की विविधता है, जो मिले जुले अनाज खाने की जो संस्कृति है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा, उसके पीछे एक ज्ञान है, एक रहस्य है, हम उसको समझें। क्योंकि यह समझना इसलिए जरूरी है कि यदि आप बीमार होते हैं और कैल्शियम की गोली के लिए
आप 10-15 रुपए की गोली खाते हैं, आयरन के लिए आप 5-7 रुपए की गोली खाते हैं, प्रोटीन और दूसरे विटामिन्स के लिए गोली खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी पूर्वक मिले जुला अनाज का सेवन करना शुरू करें, इस संस्कृति को पुनः हमने प्रतिष्ठापित किया है, पुनः हमने प्रारंभ किया है, आरोग्य आटा के रूप में, आरोग्य दलिया के रूप में, आरोग्य आटा के अंदर 9 अनाज हैं, उसके अंदर मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मड़वा है, इन सबको मिला करके हमने देखा उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर विटामिन्स हैं, उसके द्वारा जो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। हमारे यहाँ एक गलत अवधारणा फैल गई है कि बहुत सारे अनाजों को हमने बांट दिया है, ये गरीबों के लिए है, ये अमीरों के लिए है। मकई एक तरह से जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, बिहार, बंगाल, आसाम या पहाड़ी राज्यों में जहाँ खाने के लिए दूसरे अनाज उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे तत्व मकई के अंदर गेहूं से ज्यादा हैं, परंतु प्रायः मकई खाने वाले लोगों को लोग समझते हैं कि ये गरीबों का आहार है। गरीबों का आहार नहीं है, ये आपको निरोग और निरामय करने का आहार है, इसलिए आहार में इसको शामिल कर लेना चाहिए। जो मक्के का सेवन करते हैं, मक्के को ऐसी आप भून करके कॉर्न के रूप में आपको बाजार में मिलता है भुना हुआ मक्का, यदि उस मक्के का भी यदि आप सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि भुना हुआ मक्का बहुत प्रचुर उसके अंदर प्रोटीन है, वह आपके कफ के लिए वो हेल्प करता है। और मक्के को जो भून करके ऐसे आग में भून करके खाया जाता है, मक्के को भून करके खाने से वह भी बहुत ही पौष्टिक है, और इसके अंदर एक विशेष करके ग्लूकोज, एक शर्करा होती है, और वो शर्करा इसको यदि गन्ने से भी कम परिश्रम से यदि ये किया जाए, अभी बाजार के अंदर इसकी जो शर्करा है, इसकी जो चीनी है जो मक्के के द्वारा बनाई गई है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मक्के के अंदर बहुत मिठास है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो मधुमेह के रोगी हैं उनको मक्के का सेवन कम करना चाहिए, बाकी लोग बहुत ही आनंद के साथ सेवन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके जो बाल से निकले हुए हैं, ये जो बाल है यदि हम इसको पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके, यदि थोड़ा सा मिश्री मिला करके पिला देते हैं, तो ये आपकी प्रमेह की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी इस भुट्टे के जो बाल हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये तो बिना काम के हैं, हालांकि यह मूछ नकली बनाने में भी इसको आप बच्चे खेल करते हैं उस तरह से बनाया जाता है, तो ये सिर्फ मात्र ये प्रकृति की सुंदरता की अनुपयुक्त वस्तु नहीं है, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही लाभकारी है प्रमेह और प्रदर के लिए। बहुत ही ज़्यादा जैसे जिनको यूटीआई इन्फेक्शन है उन लोगों के लिए भी यदि इन मक्के की बालों को निकाल करके और इसको पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके पिए बहुत ही लाभकारी है। और जिनको ज़्यादा श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, शीशम के पत्ते उसमें ये भुट्टे की जो बाल हैं इनके बालों को लेकर के शीशम के पत्ते के साथ मिला करके मिश्र मिला करके आप घोट करके पिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और दूसरा इसका जो प्रयोग है, हम प्रयोग कर सकते हैं इसका मूत्र संबंधी रोगों के लिए, जिनको पेशाब कम होता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, उनके लिए यह बहुत ही गुणकारी है। हमने सुना है फिलीपींस के अंदर मूत्र रोगों की जगह यह मूत्र रोगों को दूर करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और हमने सुना है कि निश्चित रूप से यह जो पौधा है फिलीपींस में भी और ग्रीस में भी इसको मूत्रजन्य रोगों में, ये विदेशों में इसकी प्रमाणिकता के साथ आज भी प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इसका प्रयोग करें और मूत्र संबंधी जितने भी विकार हैं या धातु संबंधी जो रोग हैं उनको हम दूर